नमस्कार फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने चैनल डेली में। जी हाँ फ्रेंड, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि रिवाइज रिजल्ट आ गया। जी हाँ दोस्तों, एलएलपी सीबीटी 2 का जो रिजल्ट है एक बार 4 अप्रैल को जारी किया गया था। जी हाँ फ्रेंड, 4 अप्रैल को जो जारी कर गया, जारी करने के बाद फिर आरबी रेलवे बोर्ड ने फिर उसको मतलब वापस ले लिया था, यानी फिर कुछ उसमें दिक्कत थी तो उसको कहा फिर से जारी किया जाए। जी हाँ दोस्तों, तो रिवाइज रिजल्ट आ चुके हैं। जी हाँ फ्रेंड, तो देख सकते हैं आप लोग को बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है उन स्टूडेंट के लिए जो बेसब्री से अपने साइकिलों के लिए इंतजार कर रहे थे रेलवे सीबीटी 2 के रिजल्ट के लिए वेट कर रहे थे। तो रिवाइज रिजल्ट आ चुका है। जी हाँ फ्रेंड, 10 मई को साइकिल होगी कट ऑफ, इस बार लगभग हाई गए। जी हाँ फ्रेंड, पिछली बार किससे थे जो 4 अप्रैल को आया था रिजल्ट, उससे लगभग 1 नंबर 2 नंबर कट ऑफ हाई गए। जी हाँ फ्रेंड, क्या डिटेल पूरा चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा बताता हूँ। एक कैंडिडेट को मैं लॉग इन करके दिखाता हूँ कि आप रिजल्ट कैसे चेक करते हैं। उससे आगे बढ़ने से प्लेन फ्रेंड्स अपने निवेदन के चैनल को सब्सक्राइब कर, इस वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना भूलें। चलो फ्रेंड शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं आरआरबी भुवनेश्वर के साइट पे आ चुका हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, चलिए हम लोग चेक करके होता था। उससे पहले चेक करने से प्लेस फ्रेंड्स आप लोगों को मैं कट ऑफ दिखा दूँ कि भुवनेश्वर का कट ऑफ कितनी गई है। जी हाँ फ्रेंड्स, चलिए दिखा देता मैं कट ऑफ, फिर आपको लॉग इन करके दिखाता हूँ। तो ये देख लीजिए फ्रेंड्स, ये भुवनेश्वर जोन की कट ऑफ है। जी हाँ फ्रेंड्स, देखिए 27 तारीख को अपडेट किया गया। तो जनरल कैटेगरी में देख सकते हैं फ्रेंड्स 40.034 गई है। एससी की बात करें, एससी कैटेगरी में 30 गई है फ्रेंड्स। एसटी कैटेगरी की बात करें, एसटी में फ्रेंड 25.21 है। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में 30.028 है। एक्स सर्विसमैन की बात करें, जनरल कैटेगरी में 43.6, एक्स सर्विसमैन एससी कैटेगरी में 58.81 है, और एक्स सर्विसमैन ओबीसी कैटेगरी में बात करें फ्रेंड्स 32.87। जी हाँ फ्रेंड्स, ये रहा कट ऑफ को। चलिए आपको मार्क देखते हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद में कितना मार्क बढ़ा है या क्या घटा है। चलिए फ्रेंड्स दिखाता हूँ पूरा। तो देखने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले आपको इस पर क्लिक करना होगा। देख सकते हैं क्लिक है टू वी रिवाइज स्कोर शीट। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो फ्रेंड देखिए इस तक यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर अपना डालना और डेट ऑफ बर्थ यानी पासपोर्ट में डाल के फ्रेंड्स आपको लॉग इन कर लेना है। जी हाँ फ्रेंड, चलिए मैं डाल के दिखाता हूँ एक कैंडिडेट को, फिर आपको बताता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल दिया, मैं लॉग इन करके आपको दिखाता हूँ। चलिए देखता हूँ। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स आप लोग, जैसे कि देख सकते हैं फ्रेंड, जैसे कि मैंने लॉगिन कर चुका, आप लोग देख सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि मैं लॉगिन कर दी, जैसे ही लॉगिन करेंगे आपको इस तरह का पेज खुलेगा, आपको दिखाएगा स्कोर पार्ट ए का और स्कोर कार्ड पार्ट बी का। जी हाँ फ्रेंड, तो चलिए मैं आपको स्कोर कार्ड दिखा लेता हूँ। तो देख सकते हैं फ्रेंड, स्कोर कार्ड मैंने खुले, कैंडिडेट ने टोटल अटेम्प्ट क्वेश्चन 90 किया था, जिसमें करेक्ट 51 रहे, टोटल रॉन्ग क्वेश्चन 39, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इग्नोर क्वेश्चन फ्रेंड इनका 2 रहा, टोटल वैलिड क्वेश्चन फ्रेंड 98। तो रो मार्क आउट ऑफ टोटल वैलिड क्वेश्चन रहा फ्रेंड 38, फोर रेटेड मार्क आउट ऑफ 100 रहा फ्रेंड 38.7751। जी हाँ फ्रेंड, चलिए नॉर्मलाइज देख लेते हैं। इनका नॉर्मलाइज होने के बाद फ्रेंड देख सकते हैं आप लोग, इनका नॉर्मलाइज मार्क गया 52.23। एग्जाम ट्रेड फ्रेंड देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन एंड एयर कंडीशनिंग फ्रेंड्स रिपोर्ट पोस्ट भी फ्रेंड देख सकते हैं। ये शॉर्ट लिस्ट फॉर एप्टीट्यूड टेस्ट फ्रेंड देखिए, आप ऑप्शन दिया येस नो है नॉट अप्लीकेबल, तो फ्रेंड्स नो है मतलब शॉर्ट एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए शॉर्ट लिस्टेड नहीं हुए। चलिए इनका पार्ट बी का मार्क देख लेते हैं। तो फ्रेंड का पार्ट बी का मार्क देख सकते हैं, टोटल अटेंटिव क्वेश्चन 67 करेक्ट हुआ फ्रेंड्स, जिसमें 34 टोटल रॉन्ग क्वेश्चन फ्रेंड्स हुआ 33, टोटल इग्नोर क्वेश्चन हुआ फ्रेंड्स 1, टोटल वैलिड क्वेश्चन रहा 74। जी हाँ फ्रेंड्स, तो इनका रॉ मार्क आ जाता है फ्रेंड्स लगभग 23, जिसमें कि रॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है इन्होंने किया 33, इसलिए इनका नेगेटिव मार्किंग करने के बाद 23 आया, वही कि प्रो रेटेड मार्क्स फ्रेंड आया आउट ऑफ 100 में 31.08, वही फ्रेंड्स नॉर्मलाइज होकर इनका मार्क हो गया 32.62। जी हाँ फ्रेंड्स, तो इस जैसे कि देख सकते हैं 35 क्वालिफाइंग नंबर लिंक 32.6 इनका हो रहा, तो मतलब ये क्वालिफाइंग नहीं थी इसलिए इनका नो कर दिया, इसलिए इन्होंने एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए इनका अप्लाई नहीं किया गया। जी हाँ फ्रेंड्स, को एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए बुलाया नहीं गया। तो इसी तरह से फ्रेंड्स आप चेक कर सकते हैं अपनी भी रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर डाल कर, क्योंकि रिजल्ट आ गया, आप चेक करके स्वयं बताइए। आप नीचे कमेंट में शेयर कीजिए आपके कितने नंबर पार्ट ए और पार्ट बी में है, उसी हिसाब से मैं बताऊँगा। जी हाँ फ्रेंड, आप स्कोर नीचे शेयर कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना फ्रेंड, धन्यवाद, नमस्कार।